कोरोना का डर, नागपुर से आने वाली बसों पर 31 मार्च तक रोक। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसे निपटने के एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के जाने पर जहां 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने नागपुर से आने वाली सभी बसों के परमिट भी निरस्त करने के निर्देश RTA को दिए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले बसों पर 21 मार्च से 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सतना से होकर 5 बसें नागपुर के लिए जाती हैं, एक बस हनुमाना से सतना होकर नागपुर, तो 4 बसें बांदा से चलकर सतना होते हुए नागपुर जाती हैं। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि महाराष्ट्र से लगे मध्य प्रदेश के जिले में फैल रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सतर्क रहें और सावधान रहें। उन्होंने कहा है कि नागपुर या दूसरे राज्य से अन्य जिले से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन करने की सलाह दें, साथ ही अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट करवाएं। कलेक्टर ने कहा कि त्यौहार के इस अवसर पर विशेष रूप से सतर्क रहें। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से COVID-19 के विरुद्ध वैक्सीनेशन जरूरी रूप से लगाने की अपील कराई है। संक्रमण से बचाव के सभी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करें। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए नगर निगम के आयुक्त तन्वी हुड्डा ने कोरोना को लेकर लापरवाही न बरतने की अपील की है। सतना जिले के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि महाराष्ट्र में कोविड का काफी विस्फोट हुआ है और महाराष्ट्र से कोविड अब मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर फैल गया है। इससे पहले कि हमारे जिले में फैले, सभी से मेरी अपील है कि विदेश से, महाराष्ट्र से, नागपुर से, इंदौर से, भोपाल से जो लोग आए उनको होम क्वारंटीन करने की सलाह दें, उनकी कंपल्सरीली टेस्टिंग कराएं। और साथ ही साथ होली का त्यौहार आने वाला है, हमने पूर्व में देखा है कि रक्षाबंधन के बाद, नवरात्रों के बाद कोविड के केसेस में काफी इजाफा हुआ है। मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं होली अपने परिवार के साथ मनाऊंगा, मेरा परिवार के साथ मैं मेरा त्यौहार मनाऊंगा। तो मेरा परिवार मेरा त्यौहार के तर्ज पे मेरी सभी से अपील है कि परिवार के साथ पर्व को मनाएं और निरोग रहें। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए मेरी अपील है कि कल सतना जिले में 10,000 से अधिक, 10,500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कहीं भी कोई खराब इफेक्ट इस तरह जो कि रिपोर्टेड नहीं है और बड़ी संख्या में हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अतः शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, निर्भय होकर वैक्सीन लें। धन्यवाद।